मैं स्वागत करना चाहूंगा उन सभी चैंपियंस का जो आज पहली बार यूसॉफ्ट के साथ रूबरू हो रहे हैं, जो एक उम्मीद के साथ इस सेशन के अंदर बैठे हैं कि शायद भगवान से, जो हर रोज हम दुआ करते थे, हे भगवान मुझे भी एक मौका दे जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपने पांव के ऊपर खड़ा होने का, अपने सपनों को सच करने का, शायद ये वो मौका होगा। तो आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा दोस्त, के भाग्यशाली हो कि आपको वो मौका मिल चुका है दोस्त। और आज वही कॉन्सेप्ट जिससे आप रूबरू हो रहे हो, यही कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है दोस्त। और जो भी जैन एसोसिएट इस सेशन में है दोस्त, उन लोगों को कहना चाहूंगा दोस्त कि हम सभी इस इंडस्ट्री में खुद नहीं आए हैं दोस्त, बल्कि हमें इस इंडस्ट्री में लाया गया। इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन हमारा नहीं था दोस्त, इसके पीछे एक गॉड प्लानिंग है। क्योंकि अपनी लाइफ में जब हम पढ़ रहे थे दोस्त, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने बड़े होके नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। हमने जिंदगी में कभी ये टारगेट नहीं सेट किया था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नेटवर्कर बनना है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी ऐसे प्रोफेशन में पढ़ना है। लेकिन फिर भी भगवान ने अगर इस इंडस्ट्री के लिए हमारा चुनाव किया है, तो इसके लिए भगवान की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है दोस्तों। उसने हमारी ही नहीं दोस्तों, हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हमारा चुनाव किया है दोस्त। क्योंकि भगवान हमारे थ्रू हमारे एरिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है दोस्त, इसके लिए भगवान ने हमारा चुनाव किया। आने वाले टाइम में दोस्त, आप लोगों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है दोस्त, और उन लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का श्रेय जो है वो आपको मिलेगा दोस्त। करने वाला तो भगवान ही है, लेकिन वो क्रेडिट हमें देता है दोस्त। जैसे हमने देखा कि महाभारत के युद्ध के अंदर वो जो जीत है वो भगवान कृष्ण की ही थी, जो उन्होंने सहरा बनाकर अर्जुन के सर पे बांधी थी। तो ऐसे ही भगवान बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसने मैसेंजर के रूप में हमारा चुनाव किया है, और वो मैसेज हमारे थ्रू उन लाखों लोगों को लगाएगा, और वो शहरा वो हमारे सर पे बांधने जा रहा है दोस्त। इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ दोस्त, के भगवान ने हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है दोस्त, और उसी प्लानिंग की वजह से आने वाले टाइम में दोस्त आपका लाखों लोगों का नेटवर्क होगा। आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं दोस्त, आपके एरिए के अंदर सबसे बड़ा नाम आपका, और आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मुकाम आपके एरिए में आप का होगा। यानी कि आने वाले टाइम में आपके जैसी जिंदगी जीना लोगों का ड्रीम होगा दोस्त, लोग आपको आइडियल मानेंगे। तो उसके लिए आज से ही आपको, जितने भी लोग आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, इस माइंडसेट से हमें वॉक करने की जरूरत है कि मेरे ऊपर लाखों लोगों का दारोमदार है दोस्त, लाखों लोगों की जिंदगियां मेरे ऊपर टिकी हुई है दोस्त। तो दोस्तों, मेरा माइंडसेट क्या था इस इंडस्ट्री में आने से पहले, मैं क्या करता था, कैसी फैमिली से था, क्या मेरी कहानी जानना चाहोगे दोस्त? तो बताना चाहूंगा दोस्त कि मेरा नाम दलजीत है, और बिलोंग करता हूं पंजाब के एक शहर जिसका नाम संगरूर है, और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार वहां ड्यूसॉफ्ट बड़ी मशहूर। एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ दोस्त, एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था दोस्त, और जिसमें हम दो भाई हैं दोस्त, और मम्मी पापा एक छोटा सा परिवार है, और जिसमें मेरे फादर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे दोस्त, और मेरे मदर हाउसवाइफ। लगभग 37 साल मेरे फादर ने सरकारी नौकरी की है PWD में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अंदर एज अ जई। मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं आज, और पापा ने बचपन से एक ही सोच देके, एक ही माइंडसेट देके बड़ा किया था कि बेटा तूने पढ़ लिख के सरकारी नौकरी कर ले। जैसे आज बहुत सारे एसोसिएट्स आज यहाँ पर आए हैं, तो उनकी फैमिली भी उनको यही चीज बोल रही है कि कहना कि बेटा आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई करो, एक बार अगर सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो सारी जिंदगी की रोटी है।
तो हर एक आज युवा जो भी आज स्टडी कर रहा है उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि मैंने पढ़ लिख के क्या करना है, मैंने पढ़ लिख के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना है। तो मैं भी वही सोच रहा था दोस्त, जब तक मेरा मेंटल लेवल डेवलप नहीं हुआ था, जब तक मेरे को दुनियादारी की समझ नहीं थी, आई वॉज पैशनेट फॉर गवर्नमेंट जॉब। जैसे जैसे बड़ा होता गया, दुनियादारी की समझ आती गई, तो प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि जिंदगी बहुत छोटी है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करने में ही निकाल देंगे तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। समझदार सियाने लोग क्या कहते हैं दोस्त कि अगर सीखना ही चाहते हो तो दूसरों के तजुर्बों से सीख लो, अगर अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो मैं भी उसी सिद्धांत पे चल रहा था दोस्त कि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाता हूँ तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं उस सेक्टर में जाके एक्सपीरियंस लूं, उससे अच्छा तो यही है कि जो लोग ऑलरेडी उस सेक्टर में हैं मैं उन लोगों की लाइफ को एनालाइज करूं। मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा कि जो आज अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज पे है, जिनको आज ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज में अपना कैरियर बनाऊं, तो मैं आप लोगों को एक आज सोल्यूशन देना चाहूंगा दोस्त कि आप जिस भी फील्ड के अंदर सोच रहे हो कि मैंने अपना कैरियर बनाना है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो बैंकिंग की जॉब है, टीचिंग लाइन, व्हाटएवर, जो भी आपको लाइन अच्छी लग रही है, ठीक है ना, उस लाइन में जाने से पहले आप एक एनालाइजेशन जरूर करो कि जो लोग पिछले 10 साल से उस लाइन में हैं, क्या वो लोग करोड़पति बन चुके हैं, क्या उन लोगों की लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल में चेंज हो चुकी है, क्या उन लोगों के घर में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी जगुआर आ चुकी है, क्या वो लोग हर साल विदेशों की सैर करने के लिए जा रहे हैं, क्या आज उन लोगों के जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ में चेंज हो चुके हैं, क्या उनकी जिंदगी को देख के आपके दिल से एक आह निकल दे के यार वाह जिंदगी तो इन लोगों की है, क्या वो फीलिंग आ रही है। अगर आंसर आता है यस तो आपको उस लाइन में जाने की जरूरत है, अगर आंसर आता है नो देन डोंट वेस्ट योर टाइम, हमें फिर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, हमें फोकस करने की जरूरत है उस कंसेप्ट के ऊपर जो आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर चुका है दोस्त। और मैं भी यही एक एनालाइजेशन कर रहा था, और वो एनालाइजेशन करने के लिए एग्जांपल मेरे तो घर में ही थी कि मेरे पापा गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो मैंने अपने आप को अपने पापा की जगह पे रख के देखा भी अगर मैं अपने पापा की जगह पे होता, जो जिंदगी इन्होंने मुझे दी है, अगर मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी दूं तो मैं क्या फील करूंगा। तो मैं क्या फील कर रहा था उस समय भी, आज मेरे पापा को लगभग 25 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी करते हुए, भी आज भी 25 साल बाद मेरे पापा एक स्कूटर लेके जॉब करने के लिए जा रहे हैं। राइट सर, 25 साल बाद भी मैं एक नॉर्मल घर में रह रहा हूँ, हमारी कोई अच्छी कोठी कोई बंगला नहीं बना, 25 साल बाद भी हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे, 25 साल की सर्विस के बाद भी मेरे घर में कोई नई फोर व्हीलर नहीं आई, नई गाड़ी नहीं आई, सिर्फ सेकंड हैंड ही आ रहे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि दलजीत सिंह आने वाले टाइम में यही जिंदगी तू अपने बच्चों को देगा अगर इस सेक्टर में जाएगा तो। Yes, तो मैं उस जिंदगी से खुश नहीं था दोस्त, पर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा। एक ही डिसीजन मन में था कि मैंने वो काम करना है जिससे मेरी जिंदगी बने, क्योंकि मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि हमारा किसी का भी मोटिव लाइफ में कोई जॉब करना, बिजनेस करना, एग्रीकल्चर करना, फॉर्म जाना या ड्यू सॉफ्ट करना नहीं होता, हमारा मोटिव होता है लाइफ सेट करना। तो वो काम करो जिससे हमारी लाइफ सेट हो, राइट। तो यही चीज मैं सोच रहा था, तो फिर क्या करूंगा। तो एक ही चीज मन में आ रही थी कि वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जो बिजनेस करते हैं, और मैं आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर बंदा क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। बिजनेस सर, ऑब्वियस बिजनेस कर रहा है। हमारे आपकी स्टेट का सबसे अमीर बंदा क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को भी ये था कि मैं भी बिजनेस करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या चाहिए, विटामिन एम, राइट। यस, और आपको भी पता है कि बिजनेस की नेचर क्या है, कि अगर हमने किसी बिजनेस से हजारों रुपया कमाना है तो हमें उसके ऊपर पहले लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, और अगर किसी बिजनेस से हमने लाखों रुपया महीना कमाना है तो पहले उसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। और हजारों कमाना कोई नहीं चाहता, हर एक किसान यही चाहता है कि यार मेरे को तो पहले महीने से लाखों आना शुरू हो जाए। यस, ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, शुरुआत ठीक है ना, हमें छोटे सेटअप से ही करनी पड़ती है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं था बिजनेस पे लगाने के लिए, तो इसीलिए मैंने अपनी जो स्टडी है वो मेडिकल लाइन के थ्रू कंप्लीट की है, एंड बिफोर ड्यू सॉफ्ट आई वॉज अ लैब टेक्नीशियन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड यूरिन ईसीजी टेस्ट करने का काम है, मेरी वो खुद की मेडिकल लैब थी, और लगभग 2005 के अंदर मैंने अपनी मेडिकल लाइन को शुरू किया था।
और पहले महीने की 2005 में मेरी जो इनकम थी वो लगभग 17,500 रुपया महीने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी मेडिकल लाइन से 2005 के अंदर, और करते करते 20,000 से 25,000 महीना मैं कमाना शुरू कर गया था मेडिकल लाइन के अंदर, और अच्छा लग रहा था उस समय, क्योंकि आज के टाइम पे भी जो लोग 20,000 से 25,000 महीना कमा रहे हैं उनको ये लग रहा है भी हाँ यार हम ठीक है अपना घर चला रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 17 साल पहला मैं 20,000 से 25,000 महीना कमाता था तो ये था भी हाँ ठीक है यार अच्छी जिंदगी चल रही, लेकिन वो अच्छा ज्यादा टाइम नहीं रहा। कुछ महीने गुजरने के बाद क्या हुआ दोस्त कि मैं उस लाइन से निराश होना शुरू हो गया, मेरा उस लाइन से मन भरना शुरू हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्त कि मेरी सिविल हॉस्पिटल संगरूर के पास में अपनी लेबोरेटरी थी, और हमारे संगरूर में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें 2 डिपार्टमेंट 24/7 ऊपर रहते हैं, फर्स्ट इज एमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेकंड इज गायनी वार्ड। सो आई वाज वन ऑफ देम कि मैंने भी 5 साल मेडिकल लाइन को जो दिए हैं उस 5 साल के अंदर मैंने भी 24/7 सर्व किया है दोस्त, और उन 5 सालों के अंदर ठीक है ना मेरे पास सिर्फ एक संडे होता था सोने के लिए, बाकी का पूरा हफ्ता मेरे को सोना नसीब नहीं होता था। तो इस इंडस्ट्री में दोस्त क्या हुआ, मैं एक होप थी कि यार मैं उस लाइन में जो चीजें नहीं हासिल कर पा रहा मैं इस लाइन में कर पाऊं, ठीक है ना, लेकिन जो चैलेंजेस उधर थे उन्होंने इतना का परेशान कर दिया था कि मैं उस लाइन से मूव होना चाहता था दोस्त, ठीक है ना। क्यों मूव होना चाहता था, क्योंकि उस लाइन के अंदर क्या था दोस्त कि मैं सोमवार को सुबह 6 बजे अपनी लैब को ओपन करता था, और सोमवार का दिन, सोमवार की रात, मंगल, बुध, वीर करते हुए संडे को दोपहर के 2 बजे तक मेरी लैब का शटर जो है वो ओपन रहता था। सिर्फ संडे को 2 बजे के बाद मैं घर आता था और एक संडे की नाइट अपने घर सोता था, बाकी का पूरा हफ्ता खाना नहाना धोना सोना दुकान पे, ये मेरी जिंदगी थी बिफोर ड्यू सॉफ्ट। तो मैं यही चीज सोच रहा था भी यार दलजीत सिंह क्या सारी जिंदगी पैसा ही कमाता रहेगा, क्या पैसा कमाने की जिंदगी है, आज तू अनमैरिड है 24 घंटे काम कर रहा है, कल को मैरिज होगी फैमिली होगी फिर 24 घंटे काम कैसे करेगा। तो इसी वजह से लग नहीं रहा था यार आने वाले टाइम में मेरे पास कभी सुकून होगा, मेरे पास सिक्योरिटी होगी, और मेरे को यही था भी यार आज जिंदगी चल रही है चलो कमा रहे हैं, कल को फिर अगर भगवान ना करे ठीक है ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है। तो इसी वजह से मैं तलाश कर रहा था यार मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे को टाइम फ्रीडम मिले, ठीक है ना, और इसी वजह से मैंने अपनी मेडिकल लाइन के साथ साथ इवनिंग क्लासेस में कंप्यूटर सीखना शुरू किया, क्योंकि आज से लगभग 12-13 साल पहले कंप्यूटर ट्रेंडिंग में था, तो मुझे ये था भी हाँ यार मैं इस लाइन में सेटअप करूंगा, चलो आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड है और मैं अपने तरीके से बिजनेस बिल्ड करूंगा। और उसी टाइम के दौरान मेरे साथ ये ड्यू सॉफ्ट का कंसेप्ट है जो शेयर हुआ दोस्त, और बताना चाहूंगा कि कैसे मेरे को अप्रोच हुई और मेरा रिएक्शन क्या था। मैं अपनी लैब के ऊपर था, मेरा एक दोस्त है, मेरे को उसका फोन आता है, वो तो कहता यार दलजीत तेरे साथ एक आइडिया शेयर करना है। मैं कहा हाँ भाई कर ले क्या करना है, वो तो कहता यार फोन पे नहीं मिलके बात करेंगे। मैं कहा ठीक है लैब पे आजा मिलके बात कर लेंगे। कहता नहीं नहीं दुकान पे नहीं मिलना घर पे मिलेंगे। मैं कहा यार घर तो फिर मैं सिर्फ संडे को जाता हूँ, संडे को मेरे घर आ जाना घर पे मिल लेंगे। वो कहता नहीं नहीं तेरे घर नहीं मेरे घर मिलेंगे। तो मैं समझ गया, मैं कहा बेचारा फंस गया कहीं ना कहीं और मुझे फंसाने की सोच, क्योंकि हमने भी 4 क्लासें पढ़ी हैं। यस तो मैं उसकी बातचीत से अंदाजा लगा गया था, मैं कहा ये बेचारा किसी कंपनी में फंस गया है और मुझे फंसाने की सोच रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय मेरी विचारधारा क्या थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्या समझता था, मैं ये समझता था भी जिस बंदे को जिंदगी में कोई जॉब नहीं मिलती, जो किसी बिजनेस में सेटल नहीं होता, जो लोग बिल्कुल फ्री और निकम्मे रह जाते हैं, जिनको सुबह शाम माँ बाप से गालियों का प्रसाद मिलता है, ये तो उन लोगों के लिए है। कोई बंदा सोचता यार घर वालों की गालियों से बचेंगे चलो यही काम कर लें। यानी कि मेरी नजरों में नेटवर्क मार्केटिंग क्या थी, ये सिर्फ स्कीमें होती हैं 2-4 महीने चलती हैं और ये बंद हो जाती हैं, इनमें कोई कैरियर नहीं होता, ये मेरी सोच थी बिफोर ड्यू सॉफ्ट, ठीक है ना। तो मेरे को ये था भी जितने भी दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग शरीफ और भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, ये मेरी सोच थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जब मैं इस कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए गया था तो मेरा माइंडसेट यही था भी चल यार अब ये बंदा मोहल्ले में रहता है तो चलो कभी काम बढ़ सकता है, चलो क्यों रिश्ता खराब करना है सुन लेते हैं। और मैं जस्ट इतनी की सोच लेके गया था, मैं कहा यार मेरा पीछा छूटेगा इस बंदे से, नहीं तो इस बंदे ने रोज मेरी जान खानी है, ठीक है ना,
कि यार तेरे को कुछ बताना है, मैं कहा चलो आज इसकी राम कहानी सुनी लेते हैं। तो यही सोच लेके मैं इस काम को सुनने के लिए गया था। और जब मैं इस काम को सुनने के लिए उस लड़के के घर गया तो उसके सीनियर टाइट हुई बांध के बैठे, ठीक है ना। और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था पूरा, ठीक है ना। और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है ना, भी दलजीत सिंह ये लोग तेरा ब्रेन वॉश करेंगे और तूने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यस, यानी कि मैं प्रोटेक्टिंग मोड में बैठा था और अपने आप को ये बोल रहा था कि दलजीत सिंह ये तेरे को जो मर्जी मीठी गोलियां देते रहे, तूने इसकी इनकी बातों में नहीं आना, ठीक है ना। तो होता वही है दोस्तों जो भगवान को मंजूर है। तो जिस लड़के ने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंट किया था, उसका नाम दविंदर था, तो मेरे को उसने बोला कि दलजीत मेरा नाम दविंदर है, मैंने MBA किया है और मैं प्रेजेंटली कहता कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। तो मैं बहुत हैरान था, मैं कहा यार एक बंदा जिसकी वाइट कॉलर जॉब है और मैनेजर की पोस्ट पे है, वो ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। क्योंकि उस समय इस इंडस्ट्री की वैल्यू मेरी नजरों में क्या थी, दैट वॉज ऑलमोस्ट जीरो। और दूसरा लड़का उसके साथ एक आया था, वो लड़का मेरे को कहता कि यार मैं लॉ कर रहा हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से और मैं अपने मामा जी के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इतने नंबर जेड़ा हैगा कैबिन पे प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोच के हैरानी हो रही थी कि यार प्रोफेशनल लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और दविंदर ने मेरे को प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले क्या बोला, वो कहता दलजीत मैं बहुत जल्दी अपनी बैंकिंग लाइन को रिजाइन करके फुल टाइम एज अ कैरियर ड्यू सॉफ्ट करने जाता हूँ। मैं बहुत हैरान था दोस्त, और वो बात मेरे से हजम नहीं हो पाई कि यार एक इंसान अपनी व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के ऐसे काम में क्यों पड़ रहा है, इसमें है क्या। पहले मैं सिर्फ ये सोच के बैठा था कि मैंने सिर्फ इसको सुनना है, मैंने इसको करना नहीं है। लेकिन अब मेरी धारणा क्या बनी कि नहीं यार, अगर लोग अपनी व्हाइट कॉलर जॉब इस इंडस्ट्री के लिए छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट मेरे को समझना तो चाहिए ये होते क्या है। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने मेरे को बताई वो यही थी। दोस्त आपको भी मैं ये चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे टीचिंग लाइन एक प्रोफेशन है, मेडिकल लाइन एक प्रोफेशन है, खेती एक प्रोफेशन है, सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, ये कोई स्कीम नहीं है। ऐसे इंडस्ट्री का जो प्रोफेशनल नाम है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और उन्होंने मेरे को क्या समझाया कि दलजीत सिंह आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कब से चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग 1887 से चल रही है, और आज हम सोच के देखो 2022 में बैठे हैं दोस्तों। और आपको भी पता है कि स्कीमें कभी सदियां नहीं चलती, प्रोफेशन सदियां चला करते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही चीज समझाई कि एक इंसान स्वार्थी हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिसगाइड कर सकता है, लेकिन दुनिया में जितने भी फिलोसफर लोग हैं वो कभी स्वार्थी नहीं होते, वो किसी को मिसगाइड नहीं करते। तो जब उन्होंने वो चीजें मेरे को समझाई दोस्त, तो मेरा भी विजन बना भी हाँ यार वाकई ही एक इंसान स्वार्थी हो सकता है, लेकिन दुनिया में जितने विजनरी लोग हैं वो स्वार्थी नहीं होते। तो उन्होंने क्या बोला कि दलजीत दुनिया में सबसे अमीर बंदा कौन है, तो आज से 12-13 साल पहले बिल गेट्स था। तो मैंने बोला सर बिल गेट्स, वो कहते हैं कि उसकी स्टेटमेंट तूने पढ़ी है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहता है। तो मैंने बोला सर नहीं पढ़ी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बिल गेट्स कहता कि अगर मेरे सारे रिसोर्स जीरो हो जाए, मैंने दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करनी हो तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला वो लाइन मेरे को एज इट इज बताई कि बिल गेट्स कहता है कि इफ आई वुड बी अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग, कहते हैं ये बिल गेट्स का। दूसरी चीज, दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में एक नाम आ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन फॉर टेक द बेस्ट ऑफ यूथ एज। राइट सर, साधारण शब्दों में कह दूं कि बिल गेट्स जी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का दुनिया का सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ता प्रोफेशन है, जो दुनिया के हर नौजवान और औरत को करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रही है दोस्त, 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लॉ बनाया है और इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया है, अंडर लॉ किया है, इसके लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करती हैं तो गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को सर्टिफाइड किया है। और आज पूरी दुनिया में 400 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन जो गवर्नमेंट लिस्टेड है, सर्टिफाइड है। और मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि ड्यूस ऑफ इज वन ऑफ दैम।
और इस इंडस्ट्री को कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू जो है लीगलाइज किया गया है, और 2016 के अंदर कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे दैट वाज रामविलास पासवान जी, और वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कोई स्कीम है, कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है, वो क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया विच विल गिव द रेवेन्यू ऑफ 9,000 crore टू इंडियन गवर्नमेंट टिल 2025। कहते जो कि 2025 तक इंडिया गवर्नमेंट को 9,000 crore का मुनाफा देने जा रही है, ये वो इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद मेरे को भी विश्वास हुआ भी हाँ यार वाकई ही बंदे की बात तो सही है, मेरा इंटरेस्ट बना इस काम में, ठीक है ना। तो मैंने उनको बोला भी यार बात तो आपकी सही है, कंसेप्ट तो आपका सही है, ठीक है ना। मैं कहा सर सॉरी मेरे पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में मेरे पास सच में था भी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने उनको यही बोलता था कि यार मेरी तो नींद नहीं पूरी हो रही, मैं ड्यूसॉट में काम कैसे करूं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को यही चीज बोली थी कि दलजीत सिंह कितने साल हो गए मेडिकल लाइन में काम करते हुए। तो मैंने बोला सर 5 साल हो गए। बोले और कितने साल बाद तेरे पास टाइम होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद। मैंने बोला सर नहीं मेडिकल लाइन में तो नहीं होगा। तो बोले फिर यही तेरे को समझने की जरूरत है कि ये तेरी एक प्रॉब्लम है, ये तेरी अचीवमेंट नहीं है, और तेरे को आज मौका मिल रहा है उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। यस सर। तो मेरे को भी लगा भी हाँ यार बंदे की बात तो सही है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी यार मैं तो फिर ले दे के संडे ही दे पाऊंगा आपको। वो कहते कोई दिक्कत नहीं, संडे तो तेरे पास है ना, तू बिजी है लेकिन तू ऐसे लोगों को तो जानता है ना जिनके पास टाइम है। मैं कहा सर बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते फिर टेंशन ना ले, तूने उन लोगों को ठीक है ना हमारे साथ मिलवाना है, ठीक है ना, यही तेरा काम। तो मैं फिर उनको यही बोल रहा था कि सर चलो मैं तो इस कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा, मैं कहा लेकिन मैं तो नहीं किसी की जेब से 5 रुपए भी निकलवा सकता। मैं कहा सर मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट में कौन जुड़ेगा, मैं कहा सर मैं नहीं किसी को फोर्स कर सकता इस बिजनेस के लिए। तो उन्होंने मेरे को क्या समझाया, उन्होंने मेरे को एक रियल स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा दोस्त। अमेरिका की एक रियल स्टोरी है, ठीक है ना, कि अमेरिका के अंदर एक चर्च का एक पादरी था दोस्त, ठीक है ना, जो चर्च में ठीक है ना जो लोग आते थे ठीक है ना उनको गाइड करता था, जो प्रीचर होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उस प्रीचर के सपने में एक बार क्या हुआ, उसको एक सपना आता है, और उस सपने में क्या होता है, प्रभु ईसा मसीह आते हैं और उसको बोलते हैं कि आने वाली 18 नवंबर को जो इंसान इस दुनिया को अलविदा कहेगा वो मेरे चरणों में आएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। यस सर। तो वो क्या करता है कि अगले दिन नेक्स्ट डे चर्च में आके लोगों को अपने सपने के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कल रात मेरे सपने में प्रभु ईसा मसीह आए और मेरे को ये बोल के गए कि आने वाली 18 नवंबर को जो बंदा इस दुनिया को अलविदा बोल के जाएगा वो मेरे चरणों में आएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। तो सभी लोग तैयार होना शुरू हो गए, क्योंकि 18 नवंबर में काफी टाइम पड़ा था, तो सभी लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो मैसेज सभी जगह सभी लोगों को मिल रहा है, और करते करते आप यकीन नहीं मानोगे कि सैकड़ों लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार हमें मोक्ष मिलेगा। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि बहुत बड़े लेवल पे एक साइनाइड एक जहर तैयार किया जाता है, और 18 नवंबर 1978 के अंदर अमेरिका में एक टाउन है जोन्स टाउन, उसमें जिम जोन्स नाम के एक प्रीचर ने दोस्त लोगों को वो चीज बता के जो काम किया है दोस्त, आप जान के हैरान रह जाओगे। गूगल पे भी देख सकते हो कि 909 लोग उस दिन सुसाइड करते हैं दोस्त भगवान के चरणों में जाने के लिए और मोक्ष हासिल करने के लिए, जिनमें से 300 बच्चे होते हैं जो अंडर 17 होते हैं। यस। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि दलजीत अगर एक इंसान एक सपने के बारे में बता के, अपनी एक इमेजिनेशन के बारे में बता के सैकड़े लोगों को मरने के लिए मोटिवेट कर सकता है, तो क्या तू सच्चाई बता के 2 लोगों को जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिली, मैं कहा यस सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने जो है डिसीजन यस में लिया, मैं कहा यस सर ठीक है मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगा, लेकिन मैं बस एक बार अपनी फैमिली से डिस्कस कर लूं। yes, ना तो मैं अपने पापा से डिस्कस करता हूं इस बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। मैंने पापा से बोला कि मैंने पापा ऐसे एक बहुत अच्छा काम सुना है और मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं। तो फिर पापा ने मेरे को एक ही जवाब दिया था, वो कहते हैं कि बेटा मेरे को लगभग 30 से 35 साल हो गए सरकारी नौकरी करते हुए, वो कहता अगर ऐसे काम चलते तो मैं भी करोड़पति होता। राइट सर। वो कहते हैं बेटा तेरी इतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजुर्बा हो गया, अब तू बताएगा कि लाखों रुपए कैसे आते हैं। वो कहता कि अगर ऐसे काम चलते होते तो हमें 40-50 हजार रुपए धक्के खाने की क्या जरूरत है। राइट सर। पापा कहते हैं बेटा ये दाढ़ियां धूप में सफेद नहीं हुई,
हमें मत बताओ कि लाखों रुपए कैसे आते हैं। वो कहते हैं तेरी दुकान के लिए तेरे को 2-4 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे से ले ले, इस काम की परमिशन तेरे को नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने बड़े भैया से बात की, तो मेरे बड़े भैया ने भी यही चीज बोली, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। वो कहता यार दलजीत मैंने लाखों रुपए डिग्रियों के ऊपर लगाया है। वो कहता मेरे को आज 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तेरे को 10-20 हजार लगा के करोड़पति कौन बना देगा। Yes, sir. तो मैं भी डबल माइंडेड हो गया भी यार, सही कौन है और गलत कौन है। तो मैंने फिर अपनी अपलाइन को बोला, मैं कहा सॉरी बॉस काम बहुत अच्छा है यार, पर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी फिर दविंदर ने, वो कहते दलजीत हम ये नहीं कहते कि तेरा परिवार गलत है, लेकिन एक चीज बता, क्या तेरे परिवार ने कभी किसी क्लास के अंदर इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है। मैंने बोला सर नहीं पढ़ा। वो कहते क्या तेरे परिवार किसी जानकार ने कभी इस काम को किया है। मैंने बोला सर नहीं किया। बोला क्या तेरे जानकार लोगों में तेरे गली मोहल्ले में से किसी इंसान ने इस काम को करके कामयाबी हासिल की है। मैंने बोला सर नहीं की। वो कहते फिर तेरे को कौन बताएगा भी ये काम सही होते हैं या गलत होते हैं। यस सर। वो कहते हैं फैसला तूने करना है कि अपने परिवार की बात मान के वही 20-25 हजार महीना कमाना है, या हमारी बात मान के रोज का 20-25 हजार कमाना है। तो मैंने सोचा सर भी अगर रोज का 20-25 हजार आए तो फिर तो पापा की गालियां भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बननी चाहिए। बिल्कुल यस। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं यार देखा जाएगा जो भी होगा ठीक है ना। मैंने 5 साल की सोच बनाई, मैं कहा अगर 5 साल ड्यू सॉफ्ट करके भी 1 लाख रुपया महीने का आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए यार ठीक है ना। और मार्केट में निकले ठीक है ना, लोगों से मिलना शुरू किया। और उन दिनों में मेरे को मेरी एक अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहली अपलाइन जिसको मैं पहली बार मिला। आप किसी भी अपलाइन को जब मिलते हो तो आपको अपलाइन की इतनी अप्रिशिएशन देती है। यस भी हाँ यार काम बहुत अच्छा है, तुम करो हम तेरे साथ हैं। और मेरी अपलाइन मैं आज भी सोच के हंसता हूँ, मेरे को पहली बार मिली और मेरे से पहला सवाल, वो कहते दलजीत अगर जिस बंदे ने तेरे को इस काम में ज्वाइन करवाया है वो बंदा ड्यू सॉर्ट छोड़ जाए तो तू क्या करेगा। यस सर। जिस बंदे को तू इस इंडस्ट्री में लेके आए वो भी ड्यू सॉर्ट छोड़ जाए तू क्या करेगा। तो मैं सोचू मैं कहा यार कैसे दिमाग बंदे से पाला पड़ गया, ये तो आते ही मेरे को नेगेटिव करना शुरू कर दिया उसने। तो मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं कहा यार तू मेरी अपलाइन है, मेरे को अप्रिशिएट कर, मोटिवेट कर, तू तो नेगेटिव करने लग रहा मेरे को। पर फिर मैं उस सवाल की गहराई में खो गया भी यार अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो गया भी जिस बंदे ने मेरे को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया वो बंदा इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया, जिसको मैं इस इंडस्ट्री में लेके आया वो भी चला गया, तो मैं क्या करूंगा। फिर मैंने उस बंदे को जवाब दिया, मैंने बोला सर कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई सीनियर छोड़ के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे और बहुत सारे सीनियर हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी गाइडलाइन में मैं काम कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर। और दूसरा सवाल, अगर मेरी टीम में कोई इंसान मैंने ज्वाइन करवाया और आज वो काम नहीं कर रहा, वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुका है या चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा और भी बहुत सर्कल है, मैं और अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करूंगा और तब तक मेहनत करूंगा मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोला कि दलजीत सिंह मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो वो टैगलाइन जो आज के सेशन की भी है उन्होंने मेरे को दोहराई कि दलजीत बिलीव इन योर सेल्फ, तूने इस इंडस्ट्री में अपने ऊपर भरोसा करके चलना है, इस इंडस्ट्री में तेरे को कोई अपलाइन कामयाब नहीं करेगी, कोई डाउनलाइन कामयाब नहीं करेगी, इस इंडस्ट्री में तू अपनी वजह से, अपने विश्वास की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से और अपने दम पे कामयाब होगा। तेरी अपलाइन तेरे गाइडलाइनर होंगी, तेरे वेल विशर होंगी, तेरे को सपोर्ट करेंगी, तेरे को दिशा देंगी, लेकिन चलना तुझे पड़े। यस सर। तेरी टीम तेरे नक्शे कदम पे चलेगी, अगर तू ही सही तरीके से नहीं चलेगा तो तेरी टीम कुछ नहीं कर पाएगी। तो वही चीज मैं समझ के चली ठीक है ना, और उसी दिशा से मार्केट में निकला। और जब मार्केट में निकला बहुत सारे लोगों से प्लान करे मैंने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जितने भी लोगों को मैंने प्लान कराया सभी का मेरे को यही रिस्पॉन्स मिला कि यार दलजीत तू पढ़ा लिखा है, तेरा परिवार भी पढ़ा लिखा है, कहते तू कैसे फंस गया। मैंने बोला यार इतना अच्छा काम है मैं फंसा थोड़ी हूं। तो कहते बेटा तेरी ये टाई हुई 2-4 महीने में उतर जाएगी, तो यही धक्के खाएगा, कुछ नहीं इस काम में, छोड़ इसको। यस सर। तो ऐसे करते करते दोस्तों सच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को ये लगने लग गया था, मैं कहा यार मैं सच में फंस ही तो नहीं गया, सारे यही बोल रहे हैं कि यार तू कहां फंस गया है ना। तो फिर मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोली कि दलजीत जब तूने मेडिकल लाइन का काम शुरू किया था तो कितने साल पढ़ा था। तो मैंने बोला सर मैंने 2 से 3 साल मेडिकल लाइन की पढ़ाई किया। बोले कितने साल सीखा, मैंने बोला 2 साल सीखा। वो कहते हैं कि 4 से 5 साल की पढ़ाई और एक्सपीरियंस के बाद आज तू कितना पैसा कमा रहा है। मैंने बोला सर 20 से 25 हजार। वो कहते हैं अगर 20 से 25 हजार महीना कमाने के लिए 4 से 5 साल सीखना पड़ता है तो फिर रोज का 20 से 25 हजार कमाने के लिए तूने ड्यू सॉर्ट को कितने साल सीखा।
मैंने बोला सर एक साल भी नहीं। बोला कितने साल पढ़ा? मैंने बोला सर एक साल भी नहीं। बोले कहते तू मेरा जवाब समझ गया होगा। तो मेरे को भी समझ पड़ा कि हाँ यार वाकई बात तो सही है। फिर मैंने क्या किया, किताबें पढ़नी शुरू की दोस्त, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेनी शुरू की और धीरे धीरे काम चलना शुरू हुआ। और बताना चाहूंगा दोस्त कि इस इंडस्ट्री में पहले 4.5 महीने मेरे को अपना काम चलाने में लगे थे। दो 4.5 महीने बाद इस इंडस्ट्री में मेरा पहला इंसेंटिव जनरेट हुआ था, क्योंकि उससे पहले मेरे को नॉलेज नहीं थी दोस्त, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अपना इन्होंने एक ही चीज समझाई कि दलजीत सिंह कम टू लर्न द सिस्टम नॉट फॉर अर्न द मनी। इफ यू लर्न द सिस्टम मनी विल ऑटोमेटिकली कम। काम को सीखने की सोच ले गया, उसके बाद फिर किताबें पढ़ने की हैबिट बिल्ड की, लर्निंग प्रोसेस में रेगुलर आए और फिर धीरे धीरे जो है काम चलना शुरू हुआ। और जब मेरा पहला इंसेंटिव आया 4.5 महीने के बाद, मैं बहुत एक्साइटेड और पापा के पास चेक लेके गया। मैं कहा पापा मेरा 2000 रुपए का चेक आया है। तो पापा एक दफा मेरे चेक को देखे, एक दफा मेरे मुंह की ओर देखे, तो कहते दलजीत कितने महीने बाद आया? मैंने बोला 4.5 महीने बाद। कहता मेडिकल लाइन में कितने कमाता था? मैंने बोला 20 से 25 हजार। कहता बेवकूफ, 4 महीने में मेडिकल लाइन से 1,00,000 रुपया कमा लेता, 4.5 महीने बाद 2000 का चेक लेके क्या मेरे सामने खड़ा है तू? राइट सर। तो मैं तो पापा को मोटिवेट करने गया था, उन्होंने मेरी हवा निकाल के भेज दी। तो उसके बाद मैंने फिर चैलेंज लिया थी और मेरी अपने ने समझाया कि दलजीत सिंह तेरा 2000 का चेक नहीं आया, तेरे पास तेरी सोच जैसे 3 लोग और आगे जो आने वाले टाइम में 300 भी होंगे, 3000 और 3 लाख भी होंगे, और एक ऐसा अंपायर बनेगा कि आने वाले दुनिया टाइम में दुनिया तेरे को सलाम ठोकेगी। तो उसी विश्वास पे काम करना शुरू किया दोस्त। और करते करते दोस्त 13 महीने लगे मेरे को मेरा पहला माइल कंप्लीट करने में, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में क्या था, जब मैं उस इंडस्ट्री में आया था मेरे को कोई BBS अटेंड करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद फिर वो दिन भी आया कि ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने के लगभग 1.5 साल बाद मेरे को 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला अमृतसर पंजाब के अंदर, ठीक है ना, गुरु नानक ऑडिटोरियम में, सॉरी आर्ट गैलरी के अंदर मेरे को 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, ठीक है ना, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के 1.5 साल के बाद। और वहां पर जाके मेरी आंखें खुली भी, दलजीत जो करना है वो तो कर ही नहीं रहा और जो नहीं करना वो दिन रात कर रहा है। बहुत सारी गलतियां पता चली और वहां जाकर एक चीज क्लियर होगी कि एक इंसान को डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल पढ़ना पड़ता है। एक टीचर को टीचर बनने के लिए 8 से 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एक इंसान को लॉयर बनने के लिए कम से कम 5 से लेके 8 साल पढ़ना पड़ता है। और तेरे को भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। Yes, और उस दिन माइंडसेट लेके चले दोस्त के 5 साल इस इंडस्ट्री में मेहनत करनी है। और उस दिन के बाद फिर क्या हुआ दोस्त, जब सीख के आए, नॉलेज लेके आए, ट्रेन होके आए और फिर क्वालिटी से वर्क करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ दोस्त, काम चलना शुरू हुआ, परिवार में पॉजिटिविटी आना शुरू हुई दोस्त, ठीक है ना, और मेरी टीम बननी शुरू हुई और अचीवमेंट्स धीरे धीरे जो है होनी शुरू होगी दोस्त, ठीक है ना, और धीरे धीरे मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो गया। और जो सोच मैं 5 साल में लेके चला था दोस्त, इस काम को करने के 2.5 साल के अंदर मैं ड्यूसॉफ्ट से 1,00,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर गया था। क्या बात है सर, ग्रेट सर। ड्यूसॉफ्ट को करने के 13 महीने में 1 माइल हुआ दोस्त। और जब ड्यूसॉफ्ट को 1.5 साल बाद जो है देखा था, समझा था, सीखा था, तो उसके बाद कब माइल पे माइल होने लग गए पता ही नहीं चला दोस्त। और आखिर फिर वो दिन भी आया कि जब इस इंडस्ट्री से मेरी सेलिब्रेशन हुई दोस्त, रिटायरमेंट की सेलिब्रेशन हुई हमारे पंजाब में संगरूर के अंदर, ठीक है ना, कमल पैलेस है, वहां पर एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हमने रखी थी और लगभग 2500 से 3000 लोगों की गैदरिंग थी वहां पर। और वहां पर मैंने उन सभी लोगों को इन्वाइट किया था जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि यार दलजीत तू कहां फंस गया। Yes, sir. और मेरी अट्रैक्शन स्पेशली मेरे पापा थे। और उस दिन मैंने अपने पापा को जवाब दिया था कि पापा शायद आपको याद होगा आज से 2.5 साल पहले आपने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा देखेंगे जब तू 1,00,000 रुपया महीना कमाएगा। मैंने बोला कि पापा आज वो दिन आ गया, आज तेरा बेटा 1,00,000 रुपया महीना कमा। तो पापा बहुत खुश थे दोस्त, ठीक है ना, और बहुत सारी अचीवमेंट्स दोस्त इस इंडस्ट्री में आने के बाद होनी शुरू हुई, ठीक है ना, और मैं उससे भी ज्यादा खुश था। उसकी वजह क्या थी कि उस समय मेरे पापा अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर नहीं हुए थे दोस्त। आप जान के हैरान होंगे कि मेरे पापा की अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट मेरी रिटायरमेंट से 1 साल बाद की है। तो अगर एक सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट से पहले अपने बेटे की रिटायरमेंट पे आए हो तो क्या फील करेगा? तो कहता यार दलजीत तू बढ़िया रहा,
मैंने बोला पहले क्या कहते थे, ठीक है ना। तो यही चीजें हमें समझने की जरूरत है दोस्त, राइट। तो फिर क्या हुआ दोस्त, बहुत सारी अचीवमेंटें होनी शुरू हुई, ठीक है ना। और एक दिन वो भी आया जब मेरी कैप क्लियर हुई दोस्त, मेरी रॉयल्टी के नेक्स्ट वीक मेरी कैप क्लियर हुई और मैं अपने पापा को बोल रहा था, मैं कहा पापा मेरी फोटो चल रही है। वो कहते क्या फोटो चल रही है तेरी, मैं कहा पापा मेरी कैप हुई है। कहता वो क्या होती है, मैं कहा पापा मेरा इस सप्ताह का जो चेक है वो 1.5 लाख रुपए का। कहते हैं इतना पैसा भी आता है, मैं कहा हाँ जी ये देखो मेरी फोटो चल रही है डिस्चार्ज की साइट पे। तो पापा बहुत खुश हुए और मेरे को अप्रिशिएट किया कि बेटा तू दिल लगा के मेहनत कर, मैं नहीं रोकूंगा तेरे को। और वो दिन गया, आज का दिन आया, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत सारी अचीवमेंट इस इंडस्ट्री में हमने की है दोस्त। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा ड्रीम था, मेरे पास अपनी 4-व्हीलर होनी चाहिए क्योंकि मेरे पापा की लगभग 37 साल की गवर्नमेंट सर्विस रही है और 37 साल की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान मेरे घर में नया 4-व्हीलर नहीं आया। लेकिन इस काम को करने के 37 महीने भी नहीं हुए थे और मैं 6.5 लाख रुपए की स्विफ्ट गाड़ी नहीं लेके आया था। मेरा ड्रीम था मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए दोस्त। आज मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपया है। मेरा ड्रीम था आउट ऑफ इंडिया घूमने का, आज मैं ही नहीं मेरी टीम में 15 से 20 लोग ऐसे हैं दोस्त जो फॉरेन का टूर लगा चुके हैं। यानी कि इस काम को करने के पहले 5 साल के अंदर मैं अपना घर बना गया था, गाड़ी ले गया था, फॉरेन जाया था, इस काम से रिटायरमेंट ले चुका था और 1 महीने का मैं 3.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर गया था। फिर अपनी शादी करवाने के बारे में सोचा और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा पार्टनर मिला है दोस्त। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं, शी इज 4-टाइम पोस्ट ग्रेजुएट एंड शी इज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो इस इंडस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हुआ है दोस्त, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने वो सब चीजें दी हैं और आज अपने परिवार के भी सभी सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। और जब मेरी शादी हुई थी दोस्त तो मेरी वाइफ का ड्रीम था कि उसको होंडा अमेज गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो अपनी वाइफ के बर्थडे के ऊपर मैंने शादी के बाद उसको 9.5 लाख रुपए की होंडा अमेज गिफ्ट की। ग्रेट ग्रेट सर। और 2020 के अंदर पैंडेमिक चला दोस्त, कोविड मार्च के अंदर जो है पहला लॉकडाउन हुआ था और अप्रैल के अंदर मेरी एनिवर्सरी होती है। तो 2020 की जो एनिवर्सरी है वो मेरे को लगभग 3 लाख रुपए में पड़ी है दोस्त, उसको गोल्ड गिफ्ट किया है मैंने 2020 में लॉकडाउन के अंदर। और 2021 की जो हमारी एनिवर्सरी निकली है दोस्त, मेरे को 5 लाख में पड़ी है, 10 तोले गोल्ड गिफ्ट किया है क्योंकि मेरी मैडम को गोल्ड का बहुत शौक है। क्या बात है, ठीक है ना। क्या बात है, उसको एक्टिवा गिफ्ट कर चुका हूँ दोस्त। बहुत सारे हमारे टूर है, सो बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स है दोस्त जो आज नाम लेते चले तो यही शाम पड़ जाए। लेकिन इन सभी के पीछे मैं यही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, ठीक है ना, कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट सॉलिड है ना तो ये सारी अचीवमेंटें फिर पॉसिबल हो रही है। और हम सभी लोग इतने लकी हैं दोस्त कि हमें ऐसा एक सॉलिड कॉन्सेप्ट ड्यूसॉफ्ट के रूप में मिला है कि जिसके कंपैरिजन में आज कोई भी कंपनी नहीं है जो इसको पीछे छोड़ पाए दोस्त, क्योंकि सभी कंपनियां आज रैट रेस में लगी हैं दोस्त। वाहिद ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को एज अ प्रोडक्ट लेके चली। तो यही चीज हमें आज समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में हजारों कंपनीज ऐसी हैं जो एंड्रॉयड फोन बना रही हैं, हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कंपैरिजन क्या बताएंगे। हाँ, एप्पल टू एंड्रॉयड हम बता सकते हैं, तो ड्यूसॉफ्ट वो iOS सिस्टम है, वो एप्पल का फोन है और बाकी कंपनीज क्या है एंड्रॉयड में वो रैट रेस में लगी है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आज पूरी दुनिया की एंड्रॉयड कंपनीज मिलके एप्पल को बीट नहीं कर पा रही, उसी वजह से आज पूरी दुनिया की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मिलके भी ड्यूसॉफ्ट को बीट नहीं कर पा रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यही चीज हमें प्राउड फील करने की जरूरत है कि ड्यूसॉफ्ट एकलौती एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से शुरू होके जिसने 22 साल का सफर पूरा किया है। कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया से शुरू होके 20 साल क्रॉस नहीं की, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के नाम पे वो रिकॉर्ड है। और ड्यूसॉफ्ट वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त जिसने इंडिया में सबसे पहले वीकली पे आउट देना शुरू किया और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हफ्ते पे आउट देने का जो रिकॉर्ड है वो रहती दुनिया तक ड्यूसॉफ्ट के नाम रहेगा, क्योंकि इनिशिएटिव ड्यूसॉफ्ट ने लिया है। बिल्कुल सर। और इतना अच्छा सॉलिड सिस्टम ड्यूसॉफ्ट ने हमें दिया है दोस्त कि जब कोविड पैंडेमिक आया 2020-21 के अंदर तो सभी MLM कंपनीज की दुकानें बंद होगी दोस्त, सभी नेटवर्करों को खाने के लाले पड़ गए क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बंद होगी प्रोडक्ट की और उनका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्ट बंद होगी और वो लाइव डेमो नहीं दे पाए और अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए और अपना जो है क्लोजिंग नहीं कर पाए। बट वी आर वेरी लकी
और सैल्यूट करते हैं दोस्त अनुराग सर को और ऋषि सर को कि जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के अंदर भी एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया दोस्त जिस सप्ताह में हमारी क्लोजिंग ना हुई हो, हमारा चेक ना बना हो और वो ट्रांसफर ना हुआ। ग्रेट ग्रेट, तो आज प्राउड फील करते हैं दोस्त, बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला दोस्त। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि आज हमें प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जरूरत है सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की कि यस आई कैन। अगर भगवान ने सभी कामों से आपको इस काम में लेके आया है तो उसके पीछे का गॉड प्लानिंग है। भगवान सिर्फ आपके सपने नहीं पूरे करना चाहता दोस्त, वो आपको मैसेंजर बना के आपके जानकार हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करना चाहता है। क्योंकि आज मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ कि जब मैं आया था तो मैं अपने लिए आया था, लेकिन आज मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं वो चीज कर रहा हूँ जो आज हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही। आज के टाइम पे पंजाब के अंदर जितने भी जॉब फेयर लग रहे हैं दोस्त, उनमें से 80% सिलेक्शन दलजीत सर की टीम कर रही है पंजाब से दोस्त। जितने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं पंजाब के अंदर, सबसे पहले जब वो जॉब फेयर लगाते हैं तो पहली कॉल दलजीत सर को करते हैं कि सर हम वहां पर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सर हमें वैकेंसी चाहिए सर। तो आज गवर्नमेंट भी हमें आगे लेके आ रही है कि हाँ यार वाकई ये लोग दुनिया में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे बड़ा योगदान लेके चल रहे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे हमारे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्त, जहां से वहां के डीसी की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से हमें सम्मानित किया जा चुका है, सर्टिफाई किया जा चुका है कि हाँ यार आप एक अप्रिशिएबल वर्क कर रहे हैं। वो सब इसी वजह से पॉसिबल है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा करके चले हैं। तो आपको भी दोस्तों अपने ऊपर भरोसा करके चलने की जरूरत है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब ना हो सकते होते तो भगवान कभी आपको लेके नहीं आता, क्योंकि भगवान कोई भी चीज बिना वजह किसी को नहीं देता दोस्तों। अगर आज भगवान ने आपको ये इंडस्ट्री दी है तो उसने आपके लिए एक प्लानिंग की है कि वो आपके थ्रू आपके परिवार में जो पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है उस गरीबी को दूर करने की आज प्लानिंग आपको, वो रास्ता आपको दे चुका है। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने ऊपर भरोसा किया उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया दोस्त। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि थॉमस एडिसन को विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जब तक बल्ब बना नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, हजारों बार फेल हुआ, लेकिन उसने अपना भरोसा नहीं टूटने दिया और आखिर में उस बंदे ने अपने आप को साबित करके दिखाया। अरुणिमा सिन्हा जिसको हजारों चैलेंजेस आए लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के सातों पीक सर करके दिखाए। एडमंड हलेरी जिसने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया कि कोई भी बंदा ठीक है ना सीढ़ियों के साथ भी इतनी ऊंचाई सर नहीं कर सकता, और उस बंदे ने बिना सीढ़ियों के माउंट एवरेस्ट को सर किया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पे विश्वास था दोस्त। तो अगर आपको भी अपने पे विश्वास है तो दुनिया आपके कदमों में। राइट। तो सेशन आज वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं दोस्त। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे कर्मों से मिलती है दोस्त। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूं कि मेरे लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में से जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है उन सबको बाई नेम पता है कि यहाँ पर कोई दलजीत सर ड्यूसॉफ्ट में काम कर। तो आज अपने ऊपर गर्व महसूस होता है दोस्त उस फैसले के ऊपर जो आज से लगभग 12 साल पहले हमने लिया था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन आज मैं ही नहीं दोस्त, जिन लोगों को मैंने शुरू करवाया था आज वो लोग भी करोड़पति बनने जा रहे हैं। मेरे जितने भी सीनियर है सारे लोग करोड़पति हैं दोस्त। तुक्का कितने लोगों का लग जाएगा, फ्लुक में क्या हो जाएगा दोस्त। अगर मेरे सीनियर करोड़पति बन सकते हैं, मेरी टीम में करोड़पति बन सकते हैं, अगर मैं बन सकता हूं आप भी बनोगे दोस्त। और अब आपकी बारी है और उसकी शुरुआत आज से ही करो दोस्त। राइट। तो लास्ट में सारी सीनियर लीडरशिप का, डॉक्टर एमडी सर का और अनुराग सर का और मेरे मेंटर दिलों की धड़कन लुबाना सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे दोस्त बहुत जल्दी। और दो लाइनों से आप सभी लोगों से अलविदा बोलना चाहूंगा दोस्त के जंजीरें मुश्किलों की पिघल जाएंगी, बस आग इरादों की जलने दीजिए। जंजीरें मुश्किलों की पिघल जाएंगी, बस आग इरादों की जलने दीजिए। तारे जमीन पे आके हाथ मिलाएंगे, ख्यालों की उड़ान को बस जमीन दीजिए। सूरज आपका भी चमकेगा एक दिन, सूरज आपका भी चमकेगा एक दिन। बस यही सोच के आज इन मुश्किलों में
डट के वर्किंग कीजिए, डट के वर्किंग कीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू।